हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लिखने वाले हैं पारिस्थितिक तंत्र की बहाली पर निबंध 400 शब्दों में। तो ज्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों, चलिए लिखना शुरू करते हैं। परिचय। आज पृथ्वी का पारिस्थितिक तंत्र पूरी तरह से बिगड़ गया है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के 45% वन्य जीव और 12% पौधों की प्रजातियां में कमी आई है। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारे बीच पेड़ों, बाघों, शेरों, हिरणों और अन्य अद्भुत वन्य जीवों की संख्या लगातार घट रही है या विलुप्त होने के कगार पर है। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। इसलिए पृथ्वी में जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए जानवरों, पेड़ों और पौधों को संरक्षित करना बहुत जरूरी है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 से 30 को पारिस्थितिक तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में घोषित किया है। पारिस्थितिक तंत्र की बहाली। पारिस्थितिक तंत्र की बहाली एक वास्तविक परियोजना या प्रक्रिया है जो सक्रिय मानव हस्तक्षेप और कार्रवाई द्वारा पर्यावरण में क्षतिग्रस्त या नष्ट किए गए पारिस्थितिक तंत्रों और आवासों को नवीनीकृत और पुनर्स्थापित करना है। 1 मार्च 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2021 से 2030 को पारिस्थितिक तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में घोषित किया है। पारिस्थितिक तंत्र की बहाली में कई प्रकार की परियोजनाएं शामिल हैं। पहला, कटाव नियंत्रण। दूसरा, गैर देसी प्रजातियों और खरपतवारों को हटाना है। तीसरा, देसी प्रजातियों का पुनरुत्पादन। चौथा, वनों की कटाई को रोकना। पांचवा, खराब क्षेत्रों को अच्छा करना। छठा, लक्षित प्रजातियों व वनस्पति के लिए आवास और सीमा सुधार करना आदि। कई शोधकर्ताओं के लिए पारिस्थितिक बहाली में स्थानीय समुदायों को शामिल करना चाहिए। इस प्रक्रिया को सामाजिक पारिस्थितिक बहाली कहते हैं। उद्देश्य व लक्ष्य। एक दशक के लिए एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना जहां मानव और प्रकृति के बीच संबंध और पृथ्वी पर सभी प्राणियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए वर्तमान और भविष्य दोनों में बहाल हो। इसका उद्देश्य स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्र को बढ़ाना और पर्यावरण क्षरण को कम करना है। वैश्विक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय प्रतिबद्धताओं को बढ़ाना ताकि पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण के निरोध, ठहराव तथा उत्क्रमित करने में मदद मिल सके। सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों एवं शिक्षा प्रणालियों की निर्णय प्रक्रिया में पारिस्थितिक तंत्र की बहाली की समझ विकसित करना और लागू करना। निष्कर्ष। कृषि भूमि और जमीन पर बुनियादी ढांचे की जरूरत है, जो कभी जंगल था। पारिस्थितिक तंत्र की बहाली जैसे कि समाजों को बदलती जलवायु के अनुकूल होने की आवश्यकता है। इस तरह की समझ और योगदान से किसी भी जानवर, पेड़ पौधे और मानव जीवन का कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा करने से हमारी धरती हमेशा सभी के लिए सुरक्षित रहेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।